जैसे कि YouTube पर टेक्स्ट डालना होता है या कीवर्ड डालना होता है, तो ऐसे में सर्चेबल टेक्स्ट, सर्चेबल कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, फाइंड करने का सही तरीका क्या है, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही फर्दर वीडियो मिलते रहता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यूट्यूब का हर एक टॉपिक्स पर टैग्स डालना होता है या कीवर्ड भी डालना होता है, तो ऐसे में सर्चेबल कीवर्ड, सर्चेबल टैग्स डालने का सही तरीका क्या है, मस्त एक धांसूदर तरीका बताने वाला हूँ। तो आप जो सर्चेबल कीवर्ड होता है, वायरल कीवर्ड होता है, वायरल टैग्स होता है, इसके लिए बहुत तरह तरह की आप लोग को एप्लीकेशन मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत ऐसे वेबसाइट भी मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को फ्री में कुछ कीवर्ड, वायरल कीवर्ड, सर्चेबल कीवर्ड, टैग्स ये सारा मिल जाता है। बट उसमें उतना वायरल या सर्चेबल कीवर्ड टैग्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी कीवर्ड आप सर्च करो जिससे रिलेटेड काफी सारा आता है, ऐसा नहीं है 5-10 आता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा कीवर्ड टैग्स आता है। इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है जो भाई ये जो कीवर्ड है, ये जो टैग्स है, ये ज्यादा सर्च हो सकता है या ज्यादा वायरल टैग्स हो सकता है, तो उसको आपको कॉपी करना होता है। मतलब आपको सिलेक्ट करना है, उसमें चूज करना है कौन सा कीवर्ड बेटर रहेगा। बट यूट्यूब और गूगल ये दो जो प्लेटफॉर्म है, इसमें भी कीवर्ड आपको मिलता है 100% सर्चेबल कीवर्ड मिलता है। क्यों मैं बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ किस तरह में वायरल कीवर्ड यूट्यूब या गूगल के थ्रू मिल जाएगा, इसके बारे में से एक वीडियो पर बता चुका हूँ। जो यूट्यूब और गूगल ये दो जो प्लेटफॉर्म है, इसमें से ही आपको कीवर्ड मिल जाएगा जो सर्चेबल और वायरल कीवर्ड होता है। अदरवाइज थर्ड पार्टी ऐप्स या वेबसाइट बहुत सारा मिल जाता है, बट उसमें उतना वायरल या सर्चेबल कीवर्ड नहीं मिल पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, एक ऐसा वेबसाइट है रेबिट टेक, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, कीवर्ड निकालते हो वेबसाइट के माध्यम से, तो उस वेबसाइट में आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करो, आप लोगों को काफ़ी सारा कीवर्ड दिख जाएगा। किस तरह कीवर्ड, मतलब आप सर्च किए अगर हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो आपको वही सेम कीवर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जितना कीवर्ड आएगा कोई हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब चैनल, हाउ टू यूट्यूब चैनल ग्रो, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2021-2020 इन हिंदी, इस तरह टैग कीवर्ड देखने को मिलता है। बट आप वही चीज यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके देखो, आप लोगों को कुछ अलग यूनिक देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइस एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग सिंपल क्या करते हो भाई, यूट्यूब एप्लीकेशन में जाओ, जाने के बाद आप सर्च बॉक्स में जैसे ही एक एक वर्ड टाइप करोगे, तो नीचे में आप लोगों को कुछ कीवर्ड टैग्स देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो आप यूट्यूब वीडियो वायरल करना, इस तरह आप टॉपिक्स देखना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो जैसे ही आप यूट्यूब टाइप करोगे, यूट्यूब से कुछ टैग्स आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद और आगे आप जैसे ही सर्च करते रहोगे, जैसे जैसे आप टाइप करते रहोगे, उसी से रिलेटेड आप लोग को कीवर्ड 10 तक कीवर्ड देखने को मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो सर्चेबल कीवर्ड होता है, सर्चेबल टैग्स होता है, उसको आप कीवर्ड के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो, हैशटैग लगा के टैग्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। बट वही सेम चीज आप गूगल पर भी जाके सर्च करो, वही सेम आप एक एक लेटर टाइप करते जाओ, आपको एक एक से रिलेटेड कीवर्ड टैग्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये सर्चेबल कीवर्ड कैसे है, तो गाइस देखो यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, इसी से रिलेटेड कोई भी एक वीडियो देखना चाहता हूँ, तो ऐसे में हम क्या करता हूँ, यूट्यूब वीडियो जैसे ही सर्च किया तो नीचे में काफी सारा कीवर्ड देखने को मिल रहा है, जो यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, यूट्यूब वीडियो वायरल करने का सही तरीका, यूट्यूब वीडियो वायरल 2021, इस तरह कीवर्ड शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हम टॉपिक्स देखना चाहता हूँ तो उसी से रिलेटेड तो कीवर्ड नजर आ गया, भाई मैं और क्यों टाइप करूंगा, तो इजीली बंदा उसमें जो कीवर्ड नीचे में मिलता है तो उसमें प्रेस कर देता है। इसीलिए यूट्यूब और गूगल पर सर्चेबल कीवर्ड मिलता है, तो इसको आप फाइंड कैसे करना है, क्योंकि भाई ऐसे तो तरह तरह की जो वेबसाइट पर किसी टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड टैग्स चाहिए, काफी सारा टैग्स आ जाता है, उसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन यूट्यूब और गूगल का बात किया जाए, तो इसमें कोई भी टॉपिक को सर्च किया नीचे में 10 तो यूट्यूब पर आता है डेफिनेटली, तो 10 कीवर्ड मुझे चाहिए, ऐसे तो आप कॉपी नहीं कर सकते नॉर्मली। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा मंडर रहता है, प्ले स्टोर पर जाओ, एक एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है, मस्त एक एप्लीकेशन है, कॉपी टेक्स्ट एंड स्क्रीन। लोग अगर मतलब यूट्यूब या गूगल से कीवर्ड निकालना चाहते हो, तो आपको वही आप जो टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड निकालना चाहते हो यूट्यूब से या गूगल से, तो सेम टॉपिक आप लोगों को यूट्यूब या गूगल पर जाकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद नीचे में कीवर्ड आपको मिल गया, तो आपको लग रहा है सर्चेबल कीवर्ड है, तो आपको सिंपल उसी को स्क्रीनशॉट कर लेना है। स्क्रीनशॉट सभी को पता है, हर एक स्मार्टफोन में अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट किया जाता है, आपका स्मार्टफोन में जिस तरह भी स्क्रीनशॉट किया जाता है, आप स्क्रीनशॉट कर लेना सिंपल उसी कीवर्ड को, देन आपको कुछ नहीं करना है, उसी एप्लीकेशन में आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद नीचे का तरफ आप लोगों को एक कैमरा ऑप्शन मिल जाएगा,
और एक आप लोगों को गैलरी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपल गैलरी में प्रेस करना है। जैसे गैलरी में प्रेस करोगी आपको सिंपल स्क्रीनशॉट अभी आपने लिया है जो उसी स्क्रीनशॉट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका उसी स्क्रीनशॉट पर सारा में तो कीवर्ड अवेलेबल नहीं है, जितना में कीवर्ड अवेलेबल है आपको उसी पर मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद टिक मार्क मिल जाएगा। टिक मार्क में जैसे ही प्रेस करोगी फोटो कुछ प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद आपको सिंपल उसी पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप शॉक हो जाओगे भाई, आपका फोटो पर जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया वो सारा टेक्स्ट आ जाएगा। आप चाहो तो उसको एडिट भी कर सकते हो। मानो आपका कोई ऐसे कीवर्ड लग रहा है जो ये गलत है, ये सर्च नहीं हो सकता है, तो आप उसको वहां से भी रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो ऑल को कॉपी कर सकते हो, ऊपर में कॉपी ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप सिलेक्ट ऑल करके आप कॉपी कर सकते हो। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, चैनल में फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर आईडी स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना, तब के लिए टेक केयर।